Hello friend. Today we will discuss about the guideline, supplier qualification and management guideline. This is the guideline of EPIC Active Pharmaceutical Ingredient Committee. And this guideline was released on December 2009. That is very good line. In this guideline, the detailed in detailed form the how to qualify a vendor is described. The main content of this guideline. Is given in this the introduction. Second is the chapter 1, supplier qualification, then chapter 2 is due diligence, chapter 3 is the quality assessment, and chapter 4 is the change control and production assessment. And chapter 5 is the supply chain security. And chapter 6 is the ongoing monitoring and evaluation. Appendix are given in this guideline also. This are the there are the five appendix first one is the example of the critical and the non critical raw material second appendix is the suppliers selection checklist third one is the due diligence checklist and fourth is the supplier questionnaire and fifth one is the checklist for the change control assessment in this guideline in a very good way that is defined that how to qualify a vendor and their management तो दोस्तों इस गाइडलाइन की ना ज़रूरत क्यों पड़ी हमें उस बारे में इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि मैनुफैक्चर ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्मासग्रेडिएंट यूज एज द स्टार्टिंग मटीरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन एंड दैट आर डिज़ाइन टू इंश्योर देयर क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी दिस इंश्योर दैट द पेशेंट वर्ल्ड वाइड एट एनी टाइम कैन हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी सेफ्टी एंड द एफिकसी ऑफ द मेडिशन लाइक इस जो गाइडलाइन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है उसके प्रोडक्शन में दीज प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्टली मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसज स्ट्रिक्टली फॉलो द गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस सो और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इसका मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ एक्चुअली सम केसेस फाइंड आउट हुए जिसमें जैसे एक केसेस था अराउंड द वन फिफ्टी इन यू एस ड्यू टू द डेलीबरेट कंटामिनेशन ऑफ द ए पी आई बोगस सब्सटेंस दैट इज़ दोवर सल्फेट ओवर सल्फेटेड सल्फेट सो मतलब काफ़ी सारी डेथ हुई 2008 में यूएस में हुई फिर मैनी स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग द कंटामिनेशन ऑफ ग्लिसरीन एंड द डाइथ हेलग्लाइकोल लाइक 107 डेथ इन यूएस इन 1937 में हुई फिर एक जेंटामाइसिन सल्फेट से रिलेटेड केस आया कि जिसमें अ नॉन कंटामिनेटेड कंटामिनेट कोज इन द टोटल अराउंड वन अराउंड सिक्सटी डेथ इन यू इन नाइनटीन एंड नाइनटीन नाइन्टी रिस्पेक्टिवली सो इस तरह से जो हमारे की स्टार्टिंग मटेरियल हैं जो हमारे एक ए के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं उसमें हमें कुछ बोगस मटेरियल कुछ कंटामिनेंट्स ऐसे मिले ड्यू टू ड्यू टू देर आर नॉट फॉलोइंग द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और एनी अदर रीज़न और द लाइक लाइक दैट इन सम केसेज द बिज़नेस प्रेशर्स टू रिड्यूज़ द कॉस्ट रिजल्ट इन सोर्सिंग द ए पी आई दोस्तों इसमें ना सबसे बड़ा जो रीज़न है कि मार्केट में जो कम्पिटिशन है कि हमें ना एक चीप कॉस्ट में एक मेडिसिन प्रोवाइड करानी है और उसके उसमें जो मार्केट में कम्पिटिशन रहता है कि अपने जो सप्लायर का जो सलेक्शन है मोस्टली ए पी आई मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ वो एक ऐसे मैनुफैक्चर से ले लेती हैं कि जो उनको ना एक सस्ते दाम में केसम प्रोवाइड करा सके दैट इज़ द मेन ओरिजन ऑफ दिस टाइप ऑफ केसिज सो दिस गाइडलाइन इज कम डू टू दिस रीज़न बिकॉज टू टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ एक्टिविटी दे प्रिपेर ए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन वी कैन क्वालिफाई आवर वेंडर इन दिस गाइडलाइन The, the scope of the guideline document is to share the best practice of EPIC member companies on the system to be implemented adequately and manage the supplier through the complete life cycle of the product, including the supplier selection process, due diligence, which we will discuss earlier, and quality assessment of all supplier chain control and production assessment, and supply chain security, and ongoing monitoring and evaluation. इन दिस वे लाइक थ्रू दिस दीज फाइव और सिक्स स्टेप्स सिक्स स्टेप्स वी कैन क्वालिफाई ए वेंडर इन ए वेरी इन ए वेरी अरेंज और सिस्टमेटिक वे ओके इसमें हमें क्या है कि जो गाइडलाइन जो हमारा रॉ मेटीरियल जो मेटीरियल है उसको है ना फोर कैटेगरी में डिफाइन किया डिवाइड किया गया फर्दर बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द क्रेडिकलिटी ऑफ द ए पी आई फर्स्ट वन इज़ द नॉन क्रिटिकल रॉ मेटीरियल थर्ड वन सेकंड वन इज़ द क्रिटिकल रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग द ए स्टार्टिंग मटेरियल और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट एंड द ए पी आईज़ जो हमारे ये मटेरियल की कैटेगराइजेशन है ये बेस्ड ऑन द जी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हम है ना नॉन क्रिटिकल क्रिटिकल और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट और ए की तरफ आते हैं तो हमारे जो जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाती है इसके अंदर जैसे इस एक में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है इसके बाद जैसे इस गाइडलाइन में फर्दर स्टेप्स हैं कि हमारे की जैसे कि इन टर्म ऑफ द कि हमारा जो डेफिनेशन डिफाइंड है व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल व्हाट इज़ द रजिस्टर इंटरमीडिएट ए और फर्दर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है इस गाइडलाइन के अंदर यहाँ पे एक वेंडर मैनेजमेंट का करोस द लाइफ साइकिल एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल सप्लायर बेस्ड ऑन द स्पेक्स इनिशियली बेस्ड ऑन द स्पेक हम एक न्यू वेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं देन एक सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो वेंडर का सैंपल है उसको उसको इवेलुएट किया जाता है वेंडर सैंपल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इवेलुएट किया जाएगा फर्दर और फिर जो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो वेंडर सैम्पल का एवेलुएशन होगा फिर हम उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे टेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे अगर वो हमारे टेस्टिंग पैरामीटर में पास हो जाता है देन हम उस सैंपल को फर्दर प्रोसीड करेंगे क्वालिटी अससमेंट करेंगे थ्रू द वेंडर क्वेश्चन है एंड और जो क्वालिटी ऑडिट है वो करेंगे हम उसका ऑन साइट ऑडिट करेंगे ऑन साइड ऑडिट के बाद हम एक वेंडर एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ बेस जिसमें हम अपने स, अपने स्पेक के के ऊपर वेंडर से इंडोर्समेंट लेंगे और उसके बाद फाइनली हम उसको वेंडर को थ्रू चेंज कंट्रोल हम अपने इवेलुएट करके और उसको अपनी अप्रूव वेंडर लिस्ट में इन इंकौर, इनकॉर्पोरेट कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि हम है ना उस वेंडर के जो फर्स्ट थ्री और उन पर हम हम प्रोसेस वैलिडेशन करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन के बाद उसके बाद सप्लायर का क्वालिफिकेशन होने के बाद देन हम उसको ऑन गोइंग मॉनिटरिंग और डिवेलेशन के अंदर फर्दर उसको रूटीन प्रोडक्शन में उस वेंडर के मटेरियल को यूज करेंगे हम इस गाइडलाइन के अंदर जैसे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है हर एक स्टेप्स की जैसे सप्लायर सिलेक्शन हाउ टू सेलेक्ट ए सप्लायर दैट इज द चैप्टर वन वी विल डिस्कस इट इन आल्सो डिटेल्ड फॉर्म इन आवर नेक्स्ट वीडियो Further, now we will discuss only the main heading of this guideline. Second one chapter is the due diligence. In due diligence, the different steps are given through which we identify the, we, we will assess the vendors, the process. And third one is the, third one is that is, Quality assessment. Quality assessment is done based on the certificate or the requirement we will show to the vendor, and then he will provide the document to us based on the criticality of the ingredient which we will procure from the supplier or vendor. And fourth one is the change control and production assessment. Now we will initiate the change control and then further we will proceed the further activities related to the vendor and ongoing monitoring and the evaluation will be done. that is the sixth chapter through which the vendor is supplying the material as per our specification or not and how many os observed from the particular raw material which is procured from the vendor that will be defined in this chapter. इन दिसन नाउ दैट इज़ इन दिस गाइडलाइन हेयर द द जी एम पी स्टैंडर्ड द री ऑडिट शुड बी शुड बी सेम एज द इनिशियल ऑडिट एंड फर्दर द डेवलपमेंट्स इन द गाइडलाइन शुड बी कंसिडर्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द री ऑडिट शुड बी डाइनेमिक एंड डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर वेंडर से जो हमें मटेरियल हमने प्रिक्योर किया है अगर उसमें से कोई वो ऐसा नहीं आता जैसे कि कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री हम उसको कैटेगरी में डालेंगे फिर और देन उसका री ऑडिट विल भी डिसाइडेड आफ्टर फाइव ईयर एंड इफ फॉर एग्जाम्पल वी पुड टेक क्राइटीरिया ऑफ द सेवेंटी परसेंट इफ़ द हंड्रेड परसेंट क्वालिटी ऑफ द ऑल प्रिक्योरमेंट इज गुड दैन द विल बी फॉलो इन द फाइव ईयर री ऑडिट फ्रिक्वेंसी इफ इट इज़ Less than 100 and more than 70, then it will be fall in three year category. And if it is less than 70, then based on the assessment that will be that that will be that re-audit will be done after every year. Okay, friend. Now we will prepare thus another video for this guideline in which the detailed information will be shared to you. And please press the bell icon and subscribe my channel. Okay friends, thank you.